क्वेश्चन में कहा गया है ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ट्राइंगल्स ओ ए पी एंड ओ क्यू आर सिमिलर. दो ट्राइंगल्स क्या दे रखे हैं, सिमिलर दिए हुए हैं और ओ ए की लेंथ जो है वन दी गई है. ओ ए की लेंथ वन है. पी एंड क्यू डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू. ये रहा पी और ये रहा क्यू, ये जेड वन और जेड टू दिए गए हैं. ठीक है, आगे क्या बोला गया है. Then the complex number Z, हमने किसके बारे में बात करनी है, complex number Z के बारे में बात करनी है. Denoted by the point R, ये रहा, it is given by, और चारों ऑप्शन दिए गए हैं Z1 और Z2 की फॉर्म में, यानी Z1 Z2 या Z2 by Z1 या Z1 upon Z2 या Z1 plus Z2 upon Z2. ठीक है, तो basically we've got to establish a relation of the complex number Z with Z1 and Z2, right? So this is our requirement. सबसे पहली बात दिया गया है ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ क्यू आर ये सिमिलर है. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका लेंथ जो है रेशियो बराबर होता है. ऑपोजिट एंगल, जो एंगल सेम है उनके ऑपोजिट जो भी साइड होती है उनका रेशियो जो है वो बराबर होता है. कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये लिखना चाह रहा हूं यहां पर कि क्योंकि लिखा है जो ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है. ये सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो की मैं बात कर दूं, यानी ओ आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू इज ओ पी अपॉन ओ ए. ध्यान से देखो, ओ पी अपॉन ओ ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं. ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट, और ये थीटा थीटा एंगल दे ही रखा है ऑलरेडी. ठीक है ना, तो यहां से ये बात आ गई, यहां से ये बात आ गई, तो इसका मतलब, और हमें ऑलरेडी दे रखा है ओ ए की वैल्यू जो है ना वन दी गई है क्वेश्चन के अंदर में, लेंथ ऑफ ओ ए करेक्ट है, तो ओ ए की वैल्यू वन दी गई है. तो ओ आर, ओ आर यानी ओ आर किसके इक्वल है, ओ आर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ओ क्यू इन टू ओ पी. ओ क्यू कितना है, मॉडुलस ऑफ जेड टू इन टू ओ पी कितना है, मॉडुलस ऑफ Z1. तो मतलब यहां से अपने पास एक रिलेशन क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू मॉडुलस ऑफ Z2 वाया द प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OQR. यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को भी. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, या मैं यूं कहूं एक गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, या उसकी वैल्यू उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में निकालनी है, तो आप मान करके चलें उस सवाल के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इस्तेमाल होने के अच्छे चांसेस हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, और यही ध्यान से देखें, सब टॉपिक भी इस सवाल का कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लिखा गया है. मेरी बात समझ आ रही है, या कोनीज थ्योरम इसको कह देते हैं हम, एक ही बात है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं यहां पर, तो ध्यान से देखिए क्या मैं लिख सकता हूं, ये बात बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है बात, कि z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z इज z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 इनटू e पर आयोटा थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कहने का मतलब OQ जो वेक्टर माने या कॉम्प्लेक्स नंबर माने, OQ का जो यूनिट वेक्टर है उसको थीटा एंगल से रोटेट करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद अपने को यूनिट वेक्टर मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ ओ आर वेक्टर, एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिट वेक्टर. ये बात अपने को मालूम है. तो ये लेट अस से द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लगा करके ये अपने को एक रिलेशन नंबर वन मिल गया. ठीक है, इसी तरह मैं जेड वन के ऊपर भी रोटेशन लगा सकता हूँ. यानी कहने का मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ जो z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 है, z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू, अब OA जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी मान सकता हूं, नो डाउट OA एक परफेक्टली रियल है, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, बट एवरी रियल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ठीक है, इज इक्वल टू, अब OA का वन ही बोलूंगा और उसका मॉडुलस भी वन है, तो वन इंटू ई पर आयोटा थीटा लिख दूंगा, तो 1 इंटू ई पावर आयोटा थीटा लिख दिया हम लोगों ने. मेरी बात समझ में आ रही है, और इस रिलेशन को हमने
रिलेशन नंबर टू नाम दे दिया। अब दोनों रिलेशंस में से ई पर आयोटा थीटा की वैल्यू यहां से, यहां पर ई पर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या आ गई रिलेशन नंबर टू में, जेड वन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड वन, करेक्ट। ये वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके अंदर में, रिजल्ट नंबर वन के अंदर में। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा, यानी z डिवाइडेड बाय मॉडुलस z इज इक्वल टू z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2 इनटू e पर आयटा थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z1, करेक्ट है। यहां तक बात समझ में आती है। अब इससे एक बात क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि z इज इक्वल टू z1 इनटू z2, और z अपॉन इसके नीचे यहां मॉडुलस z है और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z1 into z2 है। बट अपन लोगों ने एक रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या रिलेशन निकाला हुआ है, मॉडुलस ऑफ z is equals to मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2, तो मॉडुलस z जो है मॉडुलस z1 z2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो z का रिलेशन क्रिएट हो गया z1 और z2 के साथ, यानी z is equals to z1 into z2, तो ये सवाल का आंसर हो गया, which makes the option number A as the correct option for this answer। तो आई एम श्योर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ी बहुत और कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन में बात समझ में आनी बाकी है, तो आइए दोस्तों इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, छोटी सी बात समझा दे रहा हूं कि मान लीजिए एक ये आर्गन प्लेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, दूसरा इसको ज्वाइन कर दिया, और तीसरा, कहने का मतलब ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और मान लीजिए ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है। तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं यहाँ पर, रोटेशन थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो और मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जिधर की तरफ एरो आ रहा है कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे z1 माइनस का z2, या मैं ऐसा लिखूंगा अप्लाइंग रोटेशन, क्या बोलेंगे आप लोग, अप्लाइंग रोटेशन अबाउट, किसके अबाउट अप्लाई कर रहे हैं, z2 के अबाउट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करके a b की डायरेक्शन में नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो z1 माइनस का z2 अपॉन z1 माइनस का z2 का मॉडुलस यानी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू z3 माइनस का z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z3 माइनस का z2 इनटू e पावर आयोटा थीटा। मेरी बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। अगर कोई बच्चा इसको क्लॉकवाइज में जाना चाहता है तो क्लॉकवाइज में चला जाए तो e पर आयोटा थीटा की जगह वहां पर e पर आयोटा माइनस थीटा आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है। I am sure the concept of rotation is quite clear to all of you.